देने से कहाँ कहाँ थे? मैंने पंजाब और केपीके विजिट किया, केपीके के कुछ इलाके, और मकसद यह था कि पहली दफ़ा गए थे? नहीं, मैं तो जाता रहता हूँ। तो केपीके में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आई आपको? केपीके में जो पुलिस का सिस्टम है उसमें मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई। यानी ये वो एक जिस तरह दावा किया जाता है कि नॉन पॉलिटिकल हमने कर दिया, नॉन पॉलिटिकल, ये नॉन पॉलिटिकल तो खैर नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ इन इलाकों से बेटर है। और क्या इम्प्रूवमेंट नज़र आई? पीसफुल एरियाज हैं, अटक से जब आप एंटर होते हैं, अटक ख़त्म होता है, अटक का जो पुल है वो बेसिकली इनका बॉर्डर है केपीके और पंजाब का। एंटर होते ही खैराबाद का इलाका आता है, दरिया काबुल और दरिया सिंध वहाँ पे मिलते हैं। बड़ी एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है और बड़ी ऑसम ब्यूटी के हवाले से भी हिस्टोरिकल इस तरह के, वहाँ पे अटक किला है बिल्कुल पुल के साथ। इम्प्रूवमेंट क्या देखिए? इम्प्रूवमेंट जो है वो एजुकेशन के अतबार से मैंने काफ़ी देखी है वहाँ पर, यानी वहाँ का बच्चा अवेयर है। अगर यहाँ पे केपीके का बच्चा तो हमेशा से अवेयर था, क्योंकि पैसे बाहर से आते थे, तो मेरा ये पहला विजिट था केपीके का। अच्छा, लेकिन मैंने जो यानी जो बेटरमेंट देखी है वो ये देखी है कि वहाँ का बच्चा है एटलीस्ट अवेयर है, यहाँ का बच्चा स्पेशली अगर इंटीरियर सीन की मैं बात करूँ या साउथ पंजाब की मैं बात करूँ, तो 25 साल से जब भी जाएंगे ना जी, आपको कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। और सिंध में आपको सिर्फ चप्पल के बगैर नजर आ रहे हैं? सिंध में इसी तरह मैंने यहाँ पे 50 एकड़ ज़मीन ली थी, घरों पे शौक चढ़ा था 2011 में जी, खेती बाड़ी करने। सही। तो वहाँ पे लेडीज़ जो थी उनकी बड़ी हमने उनको आप क्या उसको कहते हैं हार्ड वर्कर, वी फाउंड देम हार्ड वर्कर, लेकिन जो जेंट्स हैं वो बस इसी तरह धोती घुमा के ना हर वक्त होटल के ऊपर बैठ के साथ। सर ये फलकनाज स्कीम है, ये भी रेजिडेंशियल स्कीम है जी जी। ये माजी मोटर की शोरूम भी है हमारा, ये इलीगल जगह टोटल सारी जितनी भी। अच्छा, ये पाकिस्तान उसकी कब्जा ग्रुप जी, कब्जा ग्रुप जो है ना, ये टप्पी जरदारी के उन्होंने कब्जा किया था इसमें। अच्छा। उसके बाद ये टाउन काट दिया जनाब, अभी इसमें हज़ारों घर हैं, तो कोर्ट का ऑर्डर है इसको साफ कर दिया जाए, लेकिन अब आपको बता दें, आप बता रहे थे कि पंजाब में गए जी, क्या सीखा? बेसिकली मेरा जो एक एजेंडा था वहाँ पर जाने का वो ये था कि थोड़ी सी एक अवेयरनेस दी जाए लोगों को एजुकेशन के हवाले से और फ्यूचर मेकिंग के हवाले से कि भाई हाउ टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट और आप कौन कौन सी स्किल्स को यूज़ करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो पंजाब के इंटीरियर पंजाब के जो कॉलेजेस हैं, पंजाब कॉलेज है शुजाबाद में मैंने लेक्चर दिया था, वहाँ पर 2 सेशन हुए थे मेरे, एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, एक टीचर्स के साथ हुआ था। तो टीचर्स जो हैं वो इंग्लिश के हवाले से जो है ना वो उन्होंने काफ़ी इसमें कहा कि भाई इन इलाकों में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा फुकदान, आप हमें ऑनलाइन लेक्चर दे दिया करें। उनके साथ फिर मैंने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था, तो वीकली मैं एक लेक्चर उनमें अपलोड कर देता हूँ, जिसको फिर जिसको कन्फ्यूजन होती है वो क्वेश्चन करता है व्हाट्सएप में। तो लेकिन ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक तो बिल्कुल नॉन पेड है, और मैं समझ लें कि अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए जितना कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। इसी तरह हर पाकिस्तानी और हर ह्यूमन बीइंग जितने भी हमारे पास पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वट एवर स्किल दे हैव टू शेयर विद द पीपल। कैसे शेयर करें? शेयर इस तरह करें कि उनके साथ सेशन रखें, उनके पास जाएं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो मैं ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि हमारी कौम जो है वो उनको जगाना पड़ेगा एक दफ़ा दोबारा, जैसे इकबाल ने पाकिस्तान बनने से पहले जगाया था, और हम लोग जो है वो एक पुरजोश हो के हमने जो है ना नारा लगाया था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान और बट के रहेगा हिंदुस्तान, और एक और नारा बड़ा मशहूर हुआ था उस वक्त कि है हक हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तू कैसे ना देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। तो यानी ये उस वक्त इनके अंदर एक जज्बा कौमियत पैदा हुआ था। अब हम फिर सो चुके हैं, आप ये देखें कि हम बेसिकली ज़हनी तौर पे ग़ुलाम कौम बन चुके हैं। अच्छा, ये ज़्यादा आसान नहीं क्योंकि हर एक के पास तो अप्रोच नहीं होती, क्योंकि एक प्रोसेस है, किसी स्कूल में कॉलेज में जाके बात करना एक प्रोसेस है, आपको ऐसे मुँह उठा के आप नहीं जा सकते, वो आप सिर्फ सुनते नहीं है बात आपकी ना जी। तो
ایسا نہیں کر سکتے کہ جن لوگوں کے پاس جو نالج ہے وہ اپنا موبائل اٹھائیں, ویڈیو بنائیں, یوٹیوب فیس بک پہ لگا دیں؟ بالکل, آج کل اسمارٹ ورک جو ہے وہ زیادہ فیمس بھی ہو رہا ہے اور ایک زیادہ زیادہ لوگوں پہ شیئر بھی ہو رہا ہے, تو اسمارٹ ورک کا دور ہے, اسمارٹ فون کا دور ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے اگر ہم لوگ کوئی ویڈیو بنا کے. کیا وجہ ہے کہ لوگ ذرا شائع ہوتے ہیں, شرم آتی ہے ان کو یہ کرتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں؟ وہ اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو جیسے آپ میرر دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے. اب ایک کرپٹ بندہ وہ کیا ویڈیو بنائے گا؟ جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے, تو اور جو بھی ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, جو ان کے پاس اسکل ہے, اس کو شیئر کرنا چاہیے. جیسے آپ کرتے ہیں, ماشاء اللہ میں آپ کی پوسٹ دیکھتا ہوں, اور ہم یہاں پہ جتنے بھی بہت سارے لوگ ہیں, جب آپ کا ڈسکشن ہوتی ہے تو آپ ایک ایز این آئیڈیل پرسن اس میں یہاں پہ جو ہے نا وہ مانے جاتے ہیں. کیوں؟ بیکاز یو شیئر ایوری تھنگ یو ہیو, اور اپرچونیٹیز جو ہیں ان کو آپ باقاعدہ شیئر کرتے ہیں, اسکلس کو شیئر کرتے ہیں. کوئی آؤٹ آور سیز بیٹھا ہوا ہے, اس کو آپ آنر لے لیتے ہیں کہ جو بھی اس کے پاس اسکل ہے وہ آگے جو ہے نا. سر بھائی صفائی ہو رہی ہے, یہ سر کام چل رہا ہے.